शमी साहब, ये जो सारी एक्टिविटी हुई है बीआरटी की और वो जो आप बता रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज ना हो, कितना रोजगार जनरेट हुआ है, कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, आपके पास कोई है फिगर्स इस हवाले से? डेफिनेटली, मुझे तो खैर मैं तो इतना ज़्यादा वो मायर नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और एट अ टाइम, ये देखें ना, लोग हमें कहते हैं बीआरटी को तो एक तरफ रखें ना, बीआरटी के जो अलावा भी काम हुआ है अगर उसको आप मिला के देखें और सारे के सारा 15 महीने में हुआ है, ये दुनिया में कहीं भी इतना तेज स्पीड से काम नहीं हुआ होगा, डे नाइट। और ये देखें ना, जिस तरह इन्होंने कहा कि बस आके यहाँ से गुजर के जाएगी, तो जिस तरह ये तो जिस तरह एरोप्लेन है कहीं, बिल्कुल उस तरह का मेंटेनेंस हुआ ना कि आप आके जब जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो पहले उसका चेकअप होती है, फिर उसके बाद उड़ान होती है ना, तो सेम लाइक इस तरह। अच्छा, अगर मैं पूछूं नेशनल लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि आगे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके कितने सख्त स्टैंडर्ड्स होंगे जब ये बन जाएगा, आपने किसको फॉलो करना है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस है आपके पास वज़ीर आज़म इमरान खान या आपकी लीडरशिप महमूद खान साहब की तरफ से कि जब इसको बना लेना है तो क्या मैार आप लोगों ने रखना है? मैार तो जाहिर है, ये तो एक ही मैार होता है स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। हम मैं तो कई उसमें सफ़र कर चुका हूँ ना भाई, यूरोप में भी, यूके के अंदर भी, इवन दिल्ली के अंदर जो वहाँ का जो मेट्रो है, नई दिल्ली से लेके पुरानी दिल्ली है, वो तो ट्रेन वो पूरा जो सर, तो मैं मेरे ख्याल से ये जब स्टार्ट होगा तो सारी चीज़ें सामने आएंगी, फिर तो पता चल जाएगा क्या। अभी तो हम कहेंगे लोगों के जी उस स्टैंडर्ड क्या है, समझ नहीं आएगी किसी को। मैंने तो इनसे उस दिन कहा कि इसके जो फाइनल शेप है उसका एक बड़ा सा बिल बोर्ड लगा दो, लोगों से कहो कि ये चीज़ बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से ये बातें होती थी कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो लोगों को इसलिए यकीन नहीं आ रहा था कि ये तो हर हुकूमत कहती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 66.6 अरब रुपए उठा के सिर्फ एक ही शहर को देना, जिसकी सड़कें बने, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिसको, ये बड़ा मुश्किल था। ये कोई भी देखे ना, मेरा हल्का है शांगला, या कोई किसी का हल्का है मरदान, या कोई एबटाबाद, वो तो कहेगा जी मेरे हल्के को दो ना। आप देखिए 110 अरब रुपये हमारा तरक्याती बजट होता है, 110 अरब में अगर आप कहें कि 66 अरब सिर्फ इस शहर को दें, तो ये किसने कुर्बानी तो दी है ना। मगर ये बात तो आप लोग बड़ा तनकीद करते थे कि जनूबी पंजाब का सारा पैसा लाहौर में सिर्फ लगा दिया, कैसे फर्क करेंगे जहां जरूरत हो, जहां जरूरत हो। लेकिन आप हमारे और जनूबी अजला को कंपेयर नहीं कर सकते। आप अगर पूरा हमारे किसी भी बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में जाएंगे ना, तो वहाँ की जो जहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, तो वो तो वहाँ से बहुत बेहतर है। जो इस वक्त पंजाब के बेचारा, वो तो उनको तो तबाह करके रखा है। वहाँ के जनूबी अजला जो है, अगर हमारे इससे कंपेयर करें तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। फिर अगर आप लाड़काना और अंदरूनी सिंध को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हमारा तो गरीब से गरीब ही बहुत बेहतर है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल, किसी ने फिर ये कहा था कि शौकत साहब से ज़रूर पूछ लेना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, ये तबीयतन दोनों शर्मीले हैं क्या? शरीफ है, दोनों शरीफ हैं, और दोनों बातें कम करते हैं काम ज़्यादा करते हैं। तो मतलब शरीफों के बाद फिर शरीफों की हुकूमत है? मैंने कहा ना कि बातें कम करते हैं। अच्छा, बातें कम करते मीडिया को वो लोग पसंद है जो बातें ज़्यादा करते हैं।